आ गए, आ जाओ यार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर पॉलीनोमियल्स। इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। लेकिन 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 रुको जरा, सबर करो, इंट्रो के बाद बताता हूं। कीप वॉचिंग गाइस। Hey guys and welcome to the channel once again. All right then, start करते हैं। Types of polynomials। यार polynomials के ना दो तरीके से, मतलब दो basis पर types बनाए गए। अब क्यों बनाए गए? अरे देखो 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 देखो। ठीक है। On the basis of the number of terms, ध्यान से सुनना। On the basis of the number of terms and on the basis of the power of the variable, power of the पिछले वीडियो में variable। ऑलराइट, तो यार फिर से रिपीट करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या? अगर पॉलिनोमियल में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, मतलब एक टर्म हुई, दो टर्म हुई, तीन टर्म हुई, तो पॉलिनोमियल का नाम भी अलग अलग रख दिया। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया? अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है ना, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, टर्म्स पता है ना? नहीं पता तो क्या कर रहे हो भाई? पिछले वीडियो देख क्या हो भाई, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? मैं कंटिन्यू करता हूं। ऑलराइट, तो अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, वही वही वेरिएबल या कांस्टेंट या वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स, तो भाई उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल। बट इफ इन केस अ पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स, तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल। अलग अलग नाम दे रहे, ठीक है, और कुछ नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अगर पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं, तो उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। ऑलराइट, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मोनोमियल के। सबसे पहले ठीक है, सिंगल टर्म वाले, एक्स सिंगल टर्म राइट, एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म राइट, वाई स्क्वायर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, और क्या ले लें? एक्स वाई, डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं, एक ही टर्म है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल्स राइट। ऑलराइट, एक्स वाई जेड, डरना नहीं है डरना नहीं है, एक्स वाई जेड सिंगल टर्म। इस पॉलिनोमियल को भी बोलेंगे क्या? बाइनो, सॉरी मोनोमियल। ऑल राइट, तो मोनोमियल क्लियर हो गया। अ पॉलिनोमियल कंटेन्स अ सिंगल टर्म, इट इज सेड टू बी अ मोनोमियल। सम एग्जांपल्स आर ऑन योर स्क्रीन। ऑल राइट, बाइनोमियल के एग्जांपल देख लेते हैं, दो टर्म वाला। कोई भी दो टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स बोलो ना यार, आप खुद बोलो ना यार, वीडियो पॉज करके मैं भी बोलता हूँ। ऑल राइट, एक्स प्लस वाई कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। एक्स प्लस टू वाई कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। एक्स वाई प्लस वाई जेड कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो बाइनोमियल भी क्लियर है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू सम ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स। ट्राइनोमियल मतलब क्या? तीन टर्म्स, खुद से करो ना भाई, खुद से करो बन जाएगा, मैं भी बता ही देता हूं। ऑल राइट, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने क्या बोला? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाएगा? हाँ बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तीन टर्म्स हैं। और एग्जांपल देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस टू तीन टर्म्स, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीन टर्म्स, एक्स प्लस टू प्लस थ्री कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म्स है चेक करना जरा। अभी दो टर्म्स है सर, सर सर कैसे सर? तीन टर्म्स है सर, एक्स प्लस टू प्लस थ्री, एक्स टू और थ्री, तीन टर्म्स नहीं है गाइस। सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो, एक्स प्लस टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री एड हो जाएगा, फाइव दे देगा, टू प्लस थ्री एड होके कितना दे देता है? फाइव दे देता है राइट। तो ये पॉलिनोमियल तीन टर्म्स का नहीं है, दो टर्म्स का है, एक्स प्लस फाइव बन जाएगा एक्स प्लस टू प्लस थ्री। तो ये वाला पॉलिनोमियल गाइस ट्राइनोमियल नहीं है, ये एक बाइनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? इन चीजों का ध्यान रखना। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग विच इज On the basis of the number of, sorry, on the basis of the power of the variable. अगर variable की power अलग अलग हुई तो polynomial का नाम भी अलग अलग है। वाह भाई, अब ये मुझे तो नहीं पता ऐसा क्यों, बट ऐसा है। मे बी बिकॉज ये जो मैं बोलने वाला हूं वो ज्यादा यूज होता है इसलिए। ऑल राइट गाइस, देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉलिनोमियल है
उसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वेरिएबल पता है ना आप लोग को, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है ना, अगर उसकी हाईएस्ट पावर वन हुई, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हुई, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? ऑलराइट, अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर टू हुई, गाइस नोट करो, हाईएस्ट पावर नोट कर ही लो, हाईएस्ट पावर की बात करो, पावर की बात नहीं कर रहा। ऑलराइट, ऑन कंटिन्यूइंग, हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की पॉलिनोमियल में 2 हुई तो उसको मैं बाइनोमियल कह देता हूं, सॉरी वो तो दो टर्म्स वाला है, उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देता हूं। क्यों? पीछे पड़ गया भाई, क्वाड्रेटिक तो बहुत सुना होगा। ऑलराइट, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में आपको 3 दिख जाती है या 3 दिख जाती है, तो उस पॉलिनोमियल का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सुना होगा। ऑलराइट, रिपीट करते हैं, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये समझना मैं हाईएस्ट पावर क्यों बोल रहा हूं, जरा समझो। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने लिखा x2 + y3 + z। क्या लिखा मैंने, यहां पे देखते हैं, x2 + y3 + z, यहां पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, अग्री करते हो? तो ये ट्राइनोमियल तो कहलाएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या नाम होगा इस पॉलिनोमियल का, जरा ध्यान से देखो। वेरिएबल की पावर देखो गाइस, वेरिएबल की पावर देखो, x पे स्क्वायर लगाए, y पे क्यूब लगाए, और z पे कुछ नहीं लगा, z पे पावर 1 लगी हुई है। हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट देखना, 2 है तो क्वाड्रेटिक मत बोल देना, 1 है तो लीनियर मत बोल देना, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए मैं हाईएस्ट पावर पे बहुत ज्यादा फोकस डाल रहा हूं। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 हियर, x + y + z लीनियर है, वेरिएबल की पावर चेक करो। हाँ, ट्राइनोमियल भी है ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म्स है, लेकिन लीनियर भी है गाइस। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ द वेरिएबल, या फिर ऐसा कहूं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल गाइस 1 है। चेक कर लो x + y + z। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आप ही बताओ यार, मैं तो बता ही दूंगा, बट आप भी सोचो जरा। x2 + y + z ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? लीनियर के और एग्जांपल्स देखते हैं। x + 2 लीनियर है, हां बिल्कुल है, हां बाइनोमियल भी है, क्योंकि दो टर्म्स है, लेकिन लीनियर भी है गाइस, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल, y + z लीनियर है, समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो x2 + y2 + z2 + c2 + d2 कितनी भी टर्म्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, x2 + 2x + 8 हां यहां पे x है, उसकी पावर 1 है, लेकिन लीनियर मत बोल देना, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल एक आध और देख लेते हैं। z2 + -3 + -3 इज -3, तो z2 -3 अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर और स्पेसिफिकली कहूं तो ये एक क्वाड्रेटिक बायनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों? हाईएस्ट पावर 2, बायनोमियल क्यों? क्योंकि दो टर्म्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स, x3 + y2 + z, x3 + y2 + z, x3 + y2 + z, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, ठीक है, लेकिन पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 पे फोकस करना है, इसलिए ये क्यूबिक कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यार, इट्स वेरी इजी। तो दैट्स अबाउट इट, ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझना था, रिकैप कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड अब इसी के साथ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या अच्छा लग रहा है, और ये भी बताओ कि क्या गंदा लग रहा है, या कहां मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। यार मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ, और जो आता है वो आपको सिखाने आया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, लाइक तो करके जाना अगर अच्छा लगा है तो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ,
क्यूबिक ट्राइनोमियल लिख के जाना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आ गए उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाए जा। Wait, hold on guys. Do like, share and subscribe. Ta-da!